हियर इज श्वेत जो शताब्दी एक्सप्रेस की तरह बोलते ही रहते हैं. तो इनके लिए मेरे पास एक सुपर फन गेम है जिसका नाम है रोडीज लिंगो. तुम्हें कुछ नहीं करना है, इमिटेट करना है फेलो कंटेस्टेंट्स को. एंड वो तुम पे डिपेंड करता है, जस्ट गिव मी कंटेंट. अब बुरा लगे तो देखो संभाल लेना. सो सबसे पहले सचिन. सचिन ओके. मेरी फैमिली से एक जा रहा है, हमारी यूनिट टूट जाएगी. और जब अपनी बंदी गई तब सर मैं जीत के आऊंगा इसके लिए. अबे तब तो रो लेता. तो बंदी है उसकी वो? हमें तो एक. अच्छा हमने तो ये सुना कि फ्रेंड्स है वो. विद सम फीलिंग्स. ओह विद सम फीलिंग्स. ओके ठीक है नेक्स्ट वन. अगर पहाड़ी पर चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता. ये मुझे थोड़ा और तो कर के मुझे गैस भी करना पड़ेगा. अच्छा गैस करना है? हाँ. नहीं तू बता सकता है वैसे किसका तू कर रहा है पर... कुछ करता है वो वोट आउट में एक बहुत स्पेशल चीज. हाँ याद आया याद आया. कौन? अब बता दूंगा तो गैस कैसे करोगे? अच्छा, चलो ठीक है. I have to guess. मतलब ये मेरे साथ भी गेम खेल रहा है. हम जो है जब वर्ड देते हैं तो उस पे टिके रहते हैं. कौन है ये? ये जो हम बोलते हैं वो बनारस वाले ही है जिनका नाम है ऋषभ. थोड़ा और करे. वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड है. प्यार है वो मेरा यार, प्यार है मेरा. जिस दिन वोट आउट करूंगा मैं ही करूंगा. अच्छा ठीक है नाइस. पर अगर आप वोट आउट कर देंगे फिर आप लड़ेंगे किससे? बहुत लड़ लिया यार, इतना कौन टाइम वेस्ट करे उस पे. पूरा सीजन हो गया उसी से लड़ता रहूंगा क्या? पर्सपेक्टिव एक वर्ड है जो सिर्फ एक ही इंसान यूज करता है. अच्छा कि मैं भी तो अपना पर्सपेक्टिव रखूंगा ना. तू बोले जा रहा है बोले जा रहा है, मैं भी तो बोलूंगा. कौन है पर्सपेक्टिव वाला? सचिन. उसका पर्सपेक्टिव है भी आकृति के अलावा. हिमांशु. हिमांशु कभी नोटिस करना वो एक वर्ड हमेशा यूज करेगा. सर मेरा पर्सपेक्टिव इस सब में ये है, ये भी मेरी फ्रेंड है और ये भी मेरी फ्रेंड है. तो वो है उसका पर्सपेक्टिव. अच्छा वो अलग बात है, अगली बार हम उसे इंटरनल करने वाले हैं. पर फिर भी ये सब मुझे क्यों बता रहा है? ये कैमरे पे सब होना चाहिए. ठीक है ताकि ऐसा ना लगे मैं पीट रहा हूं. पता है कि नेक्स्ट इंटरनल में वो जा रहा है. भूमिका पल्लवी. मेरे को रोना ही नहीं आता, इन लोगों की एक्टिंग कैसे करूं? तो आपकी बेस्ट फ्रेंड है. कौन? ये मेरी कौन सी बेस्ट फ्रेंड है? भूमिका. जब भी उसे वोट आउट होना होता है उसका ऐसा होता है, जब वोट आउट है तब वो हमारी तरह से देखते हैं. ये कैमरे पे होगा, उसने हर बार मुझे ऐसे देखा. किसको कर रहे हो मतलब वोट आउट? और वो बोलती तो कैसे है? अगर उसे स्क्रॉल पढ़ना है तो हेलो रोडीज ऐसे नॉर्मली. मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? तो she has two tones. इतनी modulation हो चुकी है ना इसकी आवाज में अब तक. उसके बाद आती है प्रेम. प्रेम. चलो प्रेम की. प्रेम ने बहुत लोगों की एक्टिंग की है. प्रेम ने? तेरी वो तो है. तो अब अच्छी करना उसे. आदमी है? हाँ, तो एक एक्ट है इसमें. रिया मैम मेरे पास आके बोलते हैं कि क्या कहते हैं वेल प्लेड समथिंग. तो वो मेरे यहाँ आता है, जैसे रिया मैम मुड़ती है कहता है पास से क्या लगती है मैं. लगती तो कमाल ही है. तो सब पे लाइन मारता है प्रेम. हाँ. हाँ अगर मेरे बाद यहाँ कोई है जो सब पे लाइन मारता है तो प्रेम है. तू सब पे लाइन मारता है? अपनी एक्टिंग करके बताओ. फ्लर्ट करो मेरे साथ तो नहीं है, ऐसी कर दो कैमरा के साथ फ्लर्ट कर दो. मैं आई स्वेयर अगर तो ना बोलते मैं यही आने वाला था. चलो कर दो यार, देखती हूँ तुम्हें प्रेस कर पाती हो कि नहीं. मुझे नहीं 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 बहन बोल दिया ना, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. तू लाइन तो मार यार. जो मैं बेसिकली करता हूँ वो कर देता हूँ. हाँ चलो ठीक है. क्या लगती है ना यार चलते हुए. Good one, good one. ये अपनी इससे सबसे बेस्ट की है. बट दिस इज नॉट बेस्ट. ये बहन ना होती तो बोल भी देता क्या लगती है ना खुले बालों में. पर अब मेरा तो हो गया ना रोडीज, दूसरे शो में मिलेंगे. होती तो शायद आप सिंगल ना होती. चलो थैंक यू यार, आई हैड सो मच फन श्वेत. थैंक यू. मैं ऐसे और गेम्स आपके लिए लाती रहूंगी. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टेक एमटीवी रोडीज. करम या मेरा करम है आपका कांड है. आप मैं बोलूंगा करम या कांड सब करम करता हूँ. चलो जाओ एग्जिट ले लो. चलो ऐसे ही भगाती है मुझे लड़कियाँ.